गुड मॉर्निंग बच्चों, गणित का आज दूसरा दिन। पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको आव्यूह क्या होता है और आव्यूह की क्रम या कोटि क्या होता है, आव्यूह के तत्व और आव्यूह के प्रकार के बारे में बताया था। और आज हम पढ़ेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब आव्यूह को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, उनका गुणा पढ़ेंगे। आज हम पहले एक एग्जाम्पल के साथ देते हैं। एक एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है ए बराबर 1 2 3 2 3 1 और बी की वैल्यू दिया है आव्यूह में 3 -1 3 -1 0 और 2। तो यहाँ पे हम आव्यूह का माइनस इनको इसकी वैल्यू फाइंड करना है 2a माइनस b को हम अब इसमें दो चीज़ सीख सकते हैं कि किसी नंबर से किसी आव्यूह में गुणा होगा तब कैसे होगा, फिर गुणा करने के बाद उसको घटाएंगे तब क्या आएगा। तो अब इसको हम देखेंगे कि पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आप अच्छे समझ से चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का और इसको आप समझ जाएंगे तो इस बेस पे आप कई सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो इसके हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दिया है, ए की वैल्यू दिया है 1 2 3 और 2 3 1 और बी की वैल्यू कितनी दिया है 3 -1 3 और -1 0 2। लेकिन हमको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, 2a माइनस b। इस इन नंबरों को हम इस टाइप से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2a माइनस b, तो 2 हम पहले लिखेंगे, फिर a की वैल्यू कितनी थी ये लिखेंगे 1 2 3 2 3 1, तो ये हो गया 2a 2, और ये पूरी किसकी वैल्यू है a, और बीच में क्या है माइनस का सिंबल है तो माइनस लिख के यहाँ पे क्या लिखा है b, तो b का मान ये पूरा लिख देंगे हम 3 -1 3 -1 0 और क्या 2। अब हमको पहले 2 का मल्टीप्लाई करके तब इसको माइनस करना है। तो 2 का इसमें गुणा करके एक चीज़ को ध्यान देखिएगा, किसी आव्यूह में किसी बाहरी तत्व से गुणा करने पर या भाग करने पर आव्यूह के हर तत्व में गुणा होता है। खूब ध्यान देखिएगा, इस ये 2 जब इस आव्यूह के अंदर जाएगा तो हर एक तत्व के साथ ऐसा गुणा होगा। तो कैसे गुणा होगा, 2 का गुणा जब 1 में होगा तो क्या होगा 2 होगा, फिर 2 का होगा मल्टीप्लाई 2 में तो क्या होगा 4, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे 4 6 और क्या 2, फिर यहाँ पे माइनस लिख देंगे हम, तो ये फिर जैसे लिखा है वैसे ही लिख देंगे इसको -1 0 और क्या 2। अब हमको इसमें से इसको माइनस करना है। अब एक चीज़ खूब ध्यान से समझिए, आव्यूह का जोड़ या घटाना तभी संभव है जब दोनों आव्यूहों के कोटि या क्रम बराबर हो। कोटि या क्रम बराबर का मतलब अगर ये 2 × 3 का है तो ये भी 2 × 3 का होना चाहिए। 2 × 3 आपको समझ में आ रहा है, 2 पंक्ति और 3 कॉलम, जितने पंक्ति कॉलम इसमें होने चाहिए पहले आव्यूह में उतने ही पंक्ति कॉलम इसमें भी होने चाहिए, तभी आप आव्यूह को जोड़ या घटा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम घटाएंगे, सीधे लिख सकते हैं, आप अच्छा 12 में है तो आपको हर एक अंक बारी बारी से माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। आप बड़े क्लास के स्टूडेंट हो तो आप सीधे लिख सकते हैं। तो 2 में से 3 को घटाएंगे, 2 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा -1 आएगा। 4 में से -1 को हमको घटाना है, ध्यान देखिएगा 4 में से हमको घटाना है इसको -1 को, तो ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा तो ये 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये 6 में से हमको 3 घटाना है तो 6 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। 4 में से -1 घटाएंगे कितना आएगा 5 आएगा। और 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई 2a माइनस b का, तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। 2a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई -1 5 और 3 5 6 और क्या 0। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन माइनस दिया है x + y = 2 1 1 2 और 2x - y = 1 2 और 2 1 दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x का मान हमको निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब समझ रहे बच्चों, 2 चर में रैखिक समीकरण, ये सवाल 10 टाइप पे कक्षा 10 में कैसे था,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू कुछ मान दिया रहता था और 2x माइनस वाई इक्वल टू कुछ मान दिया रहता था। तो इन दोनों समीकरणों को हम युग्मक समीकरण में तीन मेथड से हल करते थे, कैसे कैसे, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड से। तो सेम वही प्रोसेस हम इसमें भी लगाएंगे, बस अंतर क्या है, यहाँ पे कोई संख्या की जगह पे एक अव्यय आ गया है। बात समझ में आ रही, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, समझो आधा सवाल लग गई। वेरी सिंपल, देखिए क्या करना है, इन दोनों इक्वेशनों को हमको जोड़ देंगे, जोड़ने से क्या मिलेगा हमको, ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन टू। तो इक्वेशन वन में इक्वेशन टू जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा आपको अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए ना, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, क्योंकि आपको अगले साल बीएससी करना है, तो आपको इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए। समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ऐसा तो आप हमेशा लिखते चले आए हो, थोड़ा सा अंग्रेजी सीखिए। एडिंग इक्वेशन वन एंड टू क्या होगा, x में 2x ऐड होगा तो क्या होगा, 3x हो जाएगा, प्लस y में माइनस y कैंसिल, कहता हूँ 3x इक्वल टू, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो दो में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तीन आएगा, एक में दो जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, तीन आएगा, एक में दो जोड़ेंगे तब भी तीन आएगा, दो में एक जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 3x आएगा। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 3 और ये भी 3, ये भी 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या करते थे, ये संख्या यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाती थी, 1/3 और ये क्या, 3। अब 1/3 हमने बताया था कि आप के बाहर कोई भी संख्या का हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये अंदर जाके हर एक एलिमेंट के साथ उसका एप्लीकेशन होता है और उसका यूज होता है। तो 1/3 जब 3 के साथ जाएगा तो 1/3 में 3 का गुणा करें कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी। तो x का मान कितना आ गया, 1 1 1। बहुत सिंपल, बहुत आसान सवाल, इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे, आप उसको और आराम से हल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 3, यदि आव्यूह, एक आव्यूह दिया है x प्लस 2 3 1 y प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है, 4 3 1 माइनस 2, वो तो x और y का मान ज्ञात करना है। इस टाइप से भी आपके बुक में कई सारी सवालें हैं, तो ये अब आपको हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, उस बेस पे आप अपने से क्वेश्चन खोज के आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, और भी बहुत सारी बुकें हैं, डाउनलोड करके उस टाइप में क्वेश्चन लगा लीजिएगा। एक हम बता रहे हैं, खूब ध्यान समझिए, उसी बेस पे सारे सवाल लगेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, ये पहला वाला आव्यूह दूसरे वाले आव्यूह के बराबर दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर दिया है। जब आव्यूह आव्यूह के बराबर दिया है तो इसका मतलब कि उसके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो x प्लस 2 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर x प्लस 2 इक्वल टू क्या, 4। x प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया, 4। 3 इक्वल टू 3 अपने जगह पे दिया है, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y की। और 1 अपनी जगह पे है, ये भी बराबर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, y प्लस 1 इक्वल टू क्या, माइनस 2। अब यहाँ पे हमको दो समीकरण प्राप्त हो गए, दोनों समीकरण को हम अलग अलग हल करके x और y का मान निकालेंगे। देखिए हल करना कितना आसान है, पहला समीकरण हम लेते हैं x प्लस 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू कितना, 2। वेरी सिंपल। इसी प्रकार y का मान, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1, y इक्वल टू क्या, माइनस 3। तो इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो अब अगला एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल 4, आव्यूह ए आई जे 2×2 की रचना करना है, जहाँ ए आई जे क्या दिया है, 2i प्लस j का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ये एक आव्यूह बनाना है आपको, और उसके लिए हिंट दिया है ए आई जे इक्वल टू क्या, 2i प्लस j का होल स्क्वायर। आपको आपको ध्यान देना है कि ये 2×2 का बनाना है, मतलब कि दो पंक्ति होने चाहिए इसमें, और क्या होना चाहिए, दो कॉलम होने चाहिए, दो स्तंभ होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दिया है ए आई जे की वैल्यू कितनी दिया है, 2i प्लस जे का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे i क्या है, हमने बताया कि जो
ये आई जे प्रदर्शित कर रहा है कि ये किस टाइप का अव्यय होगा, दो बुढ़े दो का होना चाहिए, दो बुढ़े दो में ये पहला तत्व बता रहा है पहला पंक्ति, और ये जे बता रहा है कि पहला कालम का तत्व। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम फिर यहाँ पे अच्छे से देखें तो यहाँ पे इस टाइप का तत्व बनेगा ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू। इसका मतलब क्या होगा ध्यान देखिएगा, ये एक बता रहा है कि पहला पंक्ति है और ये दूसरा वाला नंबर एक बता रहा है कि ये पहला स्तंभ है या कालम है। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का मतलब ए वन वन, ए वन टू का मतलब पहला पंक्ति और दूसरा का स्तंभ। तो ये जो ये वाला तत्व यहाँ पर जो आएगा मान वो पहला पंक्ति और दूसरा का स्तंभ में आएगा। ए टू वन का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ए टू टू का मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इन्हीं सबकी इन चारों की वैल्यू निकाल के इसी में रख देंगे आप की रचना हो जाएगी। तो साफ देखिए तो पहले हमको क्या निकालना है ए वन वन, आई की जगह वन रख देना है, जे की जगह में क्या रख देना है वन रख देना है। तो देखिए यहाँ पे है टू, आई का मतलब कितना, आई का मतलब वन प्लस जे का मतलब कितना, इसका भी मान वन, इसका और स्क्वायर कर देंगे। अब इसको साठ में सॉल्व कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दो का उड़ाएंगे करेंगे तो दो, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन, तीन का स्क्वायर कितना नौ। ऐसे क्या निकालेंगे ए वन टू, तो जहाँ ये टू तो अपनी जगह पे टू रहेगा ही, जहाँ पे ये वन है आई की जगह पे क्या है वन है तो ये वन रहेगा। अब जे की जगह पे कितना होगा, जे की जगह मान दिया ये दो, तो इसका और स्क्वायर हो जाएगा दो एक कम दो, दो प्लस दो चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा सोलह। अब ऐसे हो जाएगा ए टू वन, ए टू वन का मतलब ये दो अपनी जगह पे है, दो रखे रहेंगे, और ये आई का मान कितना है दो, और ये जे का मान कितना है एक है, तो ये हो जाएगा दो दूनी चार एक पाँच का स्क्वायर कितना हो जाएगा पच्चीस। ऐसे हो जाएगा ए टू टू, दो तो पहले से था, आई का मान कितना है दो है, आई का मान कितना है दो, और जे का भी मान कितना है दो, तो यहाँ पे इसका और स्क्वायर कर देंगे दो दूनी चार दो छः, छः का स्क्वायर कितना छत्तीस। तो अब हमारा ए आई जे की रचना कैसे हो गई, अब इन चारों को उसी स्थान पर उसी स्थान पर रख देंगे। तो ए वन वन का मान नौ था, ए वन टू का मान सिक्सटीन था, और ए टू वन का मान ट्वेंटी फाइव, और ए टू टू की वैल्यू कितनी थी थर्टी सिक्स। तो इस टाइप की आपकी क्वेश्चन एक सवाल इस टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, तो इस टाइप का भी आप तीन चार सवाल का अभ्यास कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। तो ये आपने आज चार एग्जाम्पल बताए, इन चारों एग्जाम्पल को खूब अच्छे से आप दोहरा लीजिएगा और इस टाइप के और सवाल है जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आपको आएगा, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट, जितना आदमी अभ्यास करेगा उतने ही उसको आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो, तो अगले वीडियो में हम आप के गुड़ा के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।